काटा है तो दे चार लकड़ियां बड़े बड़े। पुलिस स्टेशन हदूद में एक मिसिंग कंप्लेंट 9 जून को हुआ था कि अल सुरूर कॉलोनी खादिम मिल्क कॉलोनी का एक रहने वाला नौजवान सैयद सुजा की मिसिंग का कंप्लेंट था। उनके भाई और भतीजे मिलकर जाकर एक कंप्लेंट किए थे, जिस पर चंद्रनगोटा पुलिस ने 20 जून को केस रजिस्टर्ड किया मिसिंग का। और तब से लेकर आज तक वो जो है तलाश में थी, लेकिन जो मिसिंग थे सैयद सुजा उनका कोई पता नहीं चला। दो दिन पहले ये मालूम हुआ कि अल सुरूर कॉलोनी और निमरा कॉलोनी के दरमियान में, ये बस्ती के दरमियान में एक मकान है जो जहांगीर नामी यहाँ का एक मुकामी है, वो मुकामी वो इलीगल एक्टिविटीज़ में, कई इलीगल एक्टिविटीज़ में मुब्तला है। यहाँ के कुछ नौजवानों ने कहा कि 25-26 दिन पहले रात में जहांगीर और उसके एसोसिएट मिलके सैयद सुजा को जो है घर में लेके गए और फांसी दिए, उसका कत्ल करके उसकी लाश को
नाले में बहा दिए। तो इसकी इत्तला पुलिस चंद्रान गुट्टे को दी गई और मुकामी अराकी ने बलदिया को दी गई। अराकी ने बलदिया पूरी अपनी बलदिया की टीम के साथ में नाले में जहाँ पर उसकी लाश को जो है काट के फेंका गया था जो इत्तला पर तलाश कर रहे हैं और इसकी इत्तला पुलिस को भी दिए। अभी भी जो है तलाश जारी है, लेकिन मसला सबसे बड़ा अहम ये है कि 9 तारीख के कंप्लेंट को पुलिस चंद्रान गुट्टा 20 तारीख को जो है केस रजिस्टर्ड करना, और दूसरी बात ये जो ये एरियो में ख़ास तौर पे ये अलसुर रोड कॉलोनी और निमरा कॉलोनी में ये जहांगीर और उसके एसोसिएट्स का पिछले 10-12 बरस से बेहताशा जुल्म और बर्बरियत यहाँ पर बढ़ रही है और वक्तन फ़ौक्तन पुलिस को जो है इस बात की इत्तला दी जा रही है। फर्जी तौर पर इस केस में भी वैसे ही हुआ कि आज से 10 दिन पहले जहांगीर को गिरफ्तार करे, गिरफ्तार गांजा फरोख्त कर रहा था, वो गांजे के फरोख्त करने पर केस लगा के पुलिस चंद्रान गुट्टा गिरफ्तार करके उसको रिमांड करी और आज वो जुडिशियल कस्टडी में जेल में। सवाल ये है कि 10-12 बरस से इसके जो इलीगल एक्टिविटीज़ है इस पर कड़ी नज़र और कड़े इकदाम नहीं करने की वजह से उसकी हौसला अफजाई हुई और उसके एसोसिएट्स में से एक जो बाबा फखरुद्दीन नाम का है वो कल मुकामी आवाम को जो है हाथ को लगा। वो ख़ुद भी एक नशे की उसको आदत है, नशा करते हुए कल रात में लोगों के सामने तस्करा किया कि सुजा के कत्ल के अंदर मैं भी मुलविज हूँ जहांगीर के साथ में और जो है करीम लाला के साथ में। तो जैसे ही ये इत्तला हमको मिली हम उसको दबोचे, सवालात किए, सवालात करने पर वो इस बात का इकरार करा और उस मुकाम पर हमको लेके जाकर बताया जहाँ पर वो कत्ल करके बाद में जो है उस लाश को सुजा की एक थैले में बन के जो है नाले में फेंकी। तो हम वो तमाम चीज़ों का उसे सुनने और देखने के बाद में एसीपी फलकनुमा को तलब करके उसके हवाले जो है उस बाबा फखरुद्दीन को एसीपी पुलिस के हवाले करें। हम ये चाहेंगे पुलिस महकमे से ख़ास तौर पे एक तेलंगाना यकीनन एक पीसफुल और लॉ एंड ऑर्डर में 1 रियासत की तरफ जा रही है, तो ऐसे हरकतें ऐसे वाक़यात सामने आने के बाद शहर को बीचों बीच ऐसा लगता है कि वो सारे दावे खोखले। हम चाहेंगे कि आप अमली मैदान में ये गंदगी को शहर के कोने कोने से खिरोच कर सारी गंदगी को ख़त्म करें और शहर में जो है गुंजान आबादियों के अंदर शराब के कारोबार रात में इल्लीगल घरों में रखकर बेचना ये जारी है, गांजे के कारोबार जारी है और वाइटनर वालों का जो है जुल्म बर्बरियत जारी है। हम ये चाहेंगे कि पीसफुल शहर और पीसफुल शहर इस शहर में आवाम को पीस के लिए पुलिस अमली मैदान में हरकत में आते हुए इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इनको कैफे के जाकर पहुँचे।